हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें कॉम्बिनेशन जो है दो तरह के हैं। नंबर एक, व्हेन रजिस्टर्स आर कम्बाइंड इन सीरीज पैटर्न और इन पैरेलल पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज में मैंने तीन रेजिस्टेंस ले लिए, R1, R2 और R3, तीनों सीरीज में हैं। सीरीज का मतलब एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, यानी एक का इनिशियल, दूसरे का फाइनल, दूसरे का इनिशियल, तीसरे का इनिशियल और इस तरह तीसरे का फाइनल। एमिटर जो है वो मैंने पहले बताया था कि सीरीज में जुड़ता है, तो वो यूं सीरीज में जुड़ा हुआ है। उसके बाद बैटरी, बैटरी के बाद की विच इज ऑन, क्योंकि डॉट अगर लगा दोगे तो वो ऑन हो जाएगा। करंट यहाँ से जा रहा है, आई करंट, इसमें सब में आई करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ आके और क्लोज सर्किट हो रहा है। वोल्ट मीटर जो पैरेलल में जुड़ेगा वो इस तरीके से होगा, ये वोल्ट मीटर पैरेलल में अटैच हो गया, प्लस माइनस। अब इस सर्किट में अगर आप देखोगे तो आई करंट जा रहा है, इसमें भी करंट आई जा रहा है, इसमें भी आई, इसमें भी आई और आई करंट फ्लो हो रहा है। मतलब कि तीनों रेजिस्टेंस में करंट जो है वो सेम है। इसमें करंट जो है, करंट इन ऑल रजिस्ट्रार इज सेम, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों पे क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V3, जो कि तीनों टर्मिनल पे लगेगा। तो टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ओम्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके इक्वल है, IR के। तो V किसके इक्वल हो जाएगा, IR के। V1 में I क्या है, सेम है सब में, रेजिस्टेंस क्या है, R1। V2 क्या है, IR2 और V3 क्या है, IR3। मैं आप लिख भी देता हूं कि V1 किसके इक्वल होगा, IR1 के, V2 किसके इक्वल होगा, IR2 के और V3 किसके इक्वल होगा, IR3 के। अब IR किसके इक्वल आया, I कॉमन ले लेंगे अपने, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, कि टोटल रेजिस्टेंस किसके होगा, जितने भी रजिस्ट्रार लगे हुए हैं उन रजिस्ट्रार की वैल्यू के सम के इक्वल होगा। इफ R1, R2, R3 या जितने भी लगे हैं वो सब इक्वल हो जाए R के, किसी एक वैल्यू के, तो मैं R क्या लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू NR' लिख सकता हूँ। मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, R' मान लेते हैं इसको, तो R इज इक्वल टू NR' हो जाएगा हमारे पास, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने भी जुड़े होंगे उनके साथ हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें। अब इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा, मैं ये इरेज कर रहा हूं सारा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि मान लीजिए तीन रजिस्टर है हमारे पास, R1 5 ओम, R2 10 ओम और R3 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज पैटर्न विद वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट, ठीक है, और जिसमें करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो है। तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के लिए क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इट मींस 5 प्लस 10 प्लस 15 व्हिच इज इक्वल टू 30 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 30 ओम। नाउ यू हैव टू फाइंड वोल्टेज फॉर ईच रेजिस्टेंस। तो V1 क्या होगा, IR1 के इक्वल, तो V1 क्या आएगा, I कितना है, 5 × 5 कितना हुआ, 25 वोल्ट। V2 किसके इक्वल आएगा, IR2 के, तो I कितना है, 5, R2 कितना है हमारे पास, 10, कितना आया, 50 वोल्ट। V3 किसके इक्वल होगा, IR3 के, I कितना है हमारे पास, 15 × I है 5 और R3 कितना हो गया हमारे पास, R3 है 15, तो 75 वोल्ट। क्लियर,
अब इसमें मान लीजिए आपको टोटल वोल्टेज फाइंड करनी होती है, तो टोटल वोल्टेज आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते थे कि V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के आप ऐड कर दोगे 25 प्लस 50 प्लस 75, कितना हो गया टोटल 150 वोल्ट। ये भी मेथड है। दूसरा मेथड है, आपके पास टोटल आर निकल गया 30 ओम, करंट मालूम है आपको 5 एम्पियर, तो V किसके इक्वल है, IR के, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I5, टोटल रेजिस्टेंस 30, 150 वोल्ट। तो यहां से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आंसर को, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। अब बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्ट्रार इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंज होगा इसमें कि जो रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस, वो आपस में पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। पैरेलल में ऐड कैसे हो जाएंगे, तीनों रेजिस्टेंस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर अटैच होगा। कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से अटैच होगा तीनों का इनिशियल फाइनल। ये देखिए, ये R1, ये हमारे पास R2 और ये हमारे पास R3। ये R1, R2, R3, ये I करंट जा रहा है इसमें, यहां से I बाहर निकल रहा है और तीनों के पैरेलल में क्या जुड़ गया, वोल्ट मीटर जुड़ गया। अब देखो तीनों के पास, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम वोल्टेज से, फाइनल पॉइंट सेम वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो इनकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, इन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, लेकिन करंट जो है वो आई जा रहा है इसमें, तो यहां डिवाइड हो जाएगा वो I1, I2 और I3। यहां से भी I1 निकलेगा, I2 निकलेगा और I3 जो वापस मिलकर क्या बना लेगा, I बना लेगा। तो टोटल करंट किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इज इक्वल टू IR, तो I किसके इक्वल हुआ, V अपॉन R के। तो यहां पुट करेंगे इसमें V अपॉन R इज इक्वल टू V, अब V तीनों के लिए सेम है, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। यहां से V कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये चीज V से V कैंसिल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या बचा, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और जो करंट है I1 वो किसके इक्वल आया है, V अपॉन R1 के। I2 किसके इक्वल आया है, V अपॉन R2 के। और I3 किसके इक्वल आया है, V अपॉन R3 के। इसी तरीके से आप इसमें पैरेलल में फाइंड कर सकते हो। ये आ गया इन पैरेलल हमारे पास। क्लियर। अब इस पे बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल आप देखो तो न्यूमेरिकल कैसे रहेगा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने आपके टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में आपके एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 12.8, ठीक है। 12.8 एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं अपने कि वो कैसे होगा। तो 12.8 एग्जांपल में दिया है कि कोई फिगर है, उसमें तीन रेजिस्टेंस दिए आपको, R1, R2 और R3। R1 है 5 ओम, R2 है 10 ओम और R3 है 30 ओम, which are connected from a battery of 12 volt. You have to find I1, I2 and I3. Total resistance R dash मान लेते हैं और total current I निकालना आपको सर्किट में कितना चाहिए। और पैरेलल में जुड़े हैं तो पैरेलल में जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। RP लिख देता हूं पैरेलल के लिए, यहां भी RP फाइंड करना है, तो 1 अपॉन RP क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 30। क्लियर। इसका LCM ले लेंगे अपने, और LCM लेकर अगर आप सॉल्व करोगे इसे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 3। क्या आएगा, 1 अपॉन 3। अब आपको RP फाइंड करना है, तो इसे फ्लिप करेंगे तो RP क्या आएगा मेरे पास, 1 अपॉन 3 को फ्लिप करेंगे तो 3 ओम। क्लियर। अब I1 क्या है, V अपॉन R1, तो V कितना है 12, R कितना है, R1 5 ओम एम्पियर। I2 कितना आ जाएगा, V अपॉन R2, V कितना है 12,
R2 कितना है 10, तो ये 1.2 एम्पियर आ गया। I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3, V कितना है 12, R3 कितना है 30, तो ये आ जाएगा 12/30 एम्पियर। अब इसी तरह टोटल I निकालना है, तो तीनों को ऐड कर दो, ऐड करके तीनों का एलसीएम आ जाएगा, टोटल करंट ऑफ द सर्किट आ जाएगा। क्रॉस चेक करना है आपने, तो आपके पास वोल्टेज है 12 वोल्ट की, R आया है 3 वोल्ट 3 ओम, I क्या निकलेगा V अपॉन R 12/3 4 एम्पियर, यानी कि आप इन चार तीनों का जो सम करोगे वो 4 एम्पियर आना चाहिए। यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो ये चीज रहेगी बेटा, रेजिस्टेंस को ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में ये चीज रहेगी हमारे पास, ठीक है। सब्ट्रैक्ट तो नहीं होते, रेजिस्टेंस ऐड होंगे सीरीज में या पैरेलल में। एक और थोड़ा नया सा क्वेश्चन है, आपके एग्जांपल में ही है, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं अपने, कि एक सर्किट डायग्राम आपको गिवन है। पहली बार में देखने पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, वो इस तरीके से बनाया हुआ है। एग्जांपल 12.9 है ये, इस तरीके से यहां तीन दिए हुए हैं रेजिस्टेंस, ये जुड़े हैं बैटरी से, प्लस माइनस और फिर से प्लस और ये माइनस, और यहाँ की व्हिच इज ऑन, और ये एमिटर प्लस माइनस का ये करंट जा रहा है इसमें बेटा, और यहाँ से करंट वापस घूम फिर के आ रहा है, क्लियर। इसको नाम दिया है इन्होंने R1, इसको नाम दिया है R2, ये R3, R4 और R5, इनकी वैल्यूज आपको गिवन है। इनकी वैल्यूज कितनी है, इनकी वैल्यूज गिवन है R1 जो है R1 आपके पास है 10 ओम का, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम और R5 60 ओम का। आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है कितना आएगा इनका, क्लियर। तो टोटल रेजिस्टेंस बताने से पहले आपको पता होना चाहिए ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं और ये तीनों पैरेलल में। सो फर्स्ट आरपी, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से कर ले तो 1/10 प्लस 1/40, क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास आरपी। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, एलसीएम आ जाएगा 40, तो यहां आएगा 4+1 यानी कि 5/40 इज इक्वल टू 1/RP। आरपी क्या आया 40/5 यानी कि 8 ओम, यानी कि इन दोनों का मिलाकर जो बना है वो 8 ओम आ गया। अब ये दोनों खत्म हो चुके हैं, इन दोनों की जगह मेरे पास क्या आ गया 8 ओम आ गया, क्लियर। अब बात करें इन तीनों की, तो इसको मैं नाम दे दूं RP-। RP-  इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, तो 1/30, 1/20, 1/60, एलसीएम आ गया इसका 60, कितना आया 2+3+1 यानी 6/60 1/RP-। तो RP- कितना आ गया मेरे पास 60/6 10। अब अगर सर्किट को गौर से देखो, आप भूल जाओ कि ये है, इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूं ताकि अब आपको समझ आ जाएगा सारा, ठीक है। अब ये खत्म हो चुका है, ये खत्म होने का मतलब क्या है, इनकी जगह नया एक आ गया मेरे पास आरपी, कितना 8 ओम का, और इन तीनों को सोल्व करने पे मेरे पास जो वैल्यू आई RP- की वो आई 10 ओम। अब सर्किट को अगर आप घुमा के देखोगे तो वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, देखो एक लाइन में है, ठीक है, कि इसका इनिशियल और फिर इसका फाइनल बैटरी से जुड़ा है। तो RS टोटल क्या आया RP प्लस RP-, क्योंकि रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो तो सिंपल आपको उसको ऐड करना है RP और RP-। तो RP कितना है 8 ओम, RP- कितना है 10 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है 18 ओम है। तो इस तरह ये सॉल्व होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जा सकने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, क्लियर। अब इसी पे बेस्ड और बहुत से क्वेश्चन होंगे, आपको चेक करना होगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की आप बात करो तो
तो उसमें फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, फॉर्मूला रहता है कि 1 upon r = 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus ... rp लिख देता हूँ। इफ r1 r2 r3 r4 ये सभी अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो 1 upon rp इक्वल हो जाएगा n upon rp। क्लियर? इस पे बेस्ट भी क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, या वो से ऐसे हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। एक सिंपल सा आ जाए कि हाउ मैनी रजिस्टर्स विल रिक्वायर टू प्रोड्यूस 250 ओम रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो फॉर्मूला ये लगाओगे, 1 अपॉन 250 दे रखा है आपको, एन निकालना है, ठीक है, आर आपको पूछ लिया, हाउ मेनी 5 ओम रेजिस्टर के, यानी 5 ओम के कितने रेजिस्टर आपस में जुड़ के 250 का रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो यहां से एन क्या आ जाएगा हमारे पास, एन कितना आ जाएगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और एन फाइंड कर लेंगे हम, इतने रजिस्टर जुड़ के हमारे पास क्या बनाएंगे 250 का। या वैल्यू थोड़ी चेंज कर दो, इसको 25 ओम कर दो और इसको ओनली 5 ओम कर दो, तो यहाँ हमारे पास 5 ओम आ जाएगा टोटल में और यहाँ 25, तो आराम से हो जाएंगे कि n इज इक्वल टू 5 रेजिस्टेंस, कि जब 25 ओम के 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास, 5 ओम आएगा।